इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में 11 मई से हो रही भारी बारिश के बीच आई बाढ़ और एक्टिव ज्वालामुखी से बहकर आने वाले कोल्ड लावा की वजह से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में प्रकृति अपना विनाशकारी रूप दिखा रही है। इंडोनेशिया फ्लड्स के चलते कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। ऐसे में कोल्ड लावा को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। आखिर क्या है कोल्ड लावा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल बारिश और बाढ़ के बीच चट्टानों और पहाड़ों के पत्थर मलबे के साथ ही ज्वालामुखी का ठंडा लावा रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा रहा है। ऑनलाइन और मीडिया में शेयर की गई तस्वीरों में पश्चिमी सुमात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मैरापी के तलहटी पर बसे गांव और सड़कें मिट्टी और राख की मोटी परत से आंशिक रूप से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक इस वजह से 43 लोगों ने अपनी जान खो दी है और 17 से ज्यादा लोग लापता हैं। यहाँ के कई शहरों में सड़कें टूट गईं और कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में 11 मई से हो रही भारी बारिश की वजह से कई रास्ते टूट चुके हैं और उड़ानें रद्द हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये कोल्ड लावा क्या होता है जो इन दिनों सुमात्रा द्वीप की बर्बादी की वजह बना हुआ है। दरअसल कोल्ड लावा यानी ठंडा लावा को लहार नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का गाढ़ा कीचड़ होता है जिसमें राख, रेत और कंकड़ पाए जाते हैं जो भारी बारिश की वजह से ज्वालामुखी से निकलकर ढलानों से नीचे आकर बहने लगते हैं। ये दिखने में गीले कंक्रीट के घूमते हुए गोले की तरह नजर आते हैं। कभी कभी ये ज्वालामुखी से निकलने वाले नियमित लावा से भी विनाशकारी हो सकता है। कोल्ड लावा का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। US जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है तब भी ठंडा लावा बन सकता है। बारिश या बर्फबारी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लहार पहुंचाने का काम करता है। फिलहाल सुमात्रा द्वीप में बहते हुए ठंडे लावा से कई इलाकों में कीचड़ बुरी तरह फैला हुआ है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सड़क मार्ग और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के इलाके में आता है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई महाद्वीपों के साथ ही महासागरीय टेक्टोनिक प्लेटें भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाएं घटती हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में ज़्यादातर एक्टिव ज्वालामुखी हैं इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। इंडोनेशिया में फिलहाल 121 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। माउंट मैरापी इनमें से एक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।